एक कंपनी है जो अविनाश गुराक्षकर साहब की पसंद है, मनोरमा इंडस्ट्रीज। तो इस पर होनी आज, उनसे जानेंगे इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या है, क्यों पसंद आ रहा है ये स्टॉक, क्यों एसएमई स्पेस की पिक बना। पर पहले वरुण के पास जाएंगे, जो पहले हमें जरा बेसिक हाइजीन चेक दे दे इस मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में, धंधा कैसा, फाइनेंशियल्स कैसे पैन आउट हो रहे हैं और स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बाद अविनाश जी के पास चलेंगे। तो वरुण बताइए, मनोरमा इंडस्ट्रीज क्या करती है? देखिए, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है हाँ और बेसिकली ये काफी सारे सुपर स्पेशलिटी टेलर मेड फैट्स, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, जो कि चॉकलेट में यूज होते हैं बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स, और कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। तो वो सब प्रोडक्ट्स बनाने का काम जो है, जिसमें स्पेशलिटी फैट्स एंड ऑयल्स जैसे कि सैल बटर, सैल फैट, सैल ऑयल, सैल ऑयल, मैंगो बटर, मैंगो फैट, मैंगो ऑयल, कोकम बटर, कोकल ऑयल, ये सब बनाने का काम जो है वो ये कंपनी करती है। और इसके प्रोडक्ट्स चॉकलेट और कन्फेक्शनरीज और कॉस्मेटिक्स जो है उसमें यूज होते हैं। और देखिए, इसका काफी अच्छा ग्लोबल फुटप्रिंट भी है, इनफैक्ट ग्लोबल लीडर माना जाता है कंपनी इस प्रोडक्ट में, क्योंकि इंडिया के अलावा जापान, इटली, मलेशिया, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूके, नेदरलैंड, ये सब जगह पे ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको बेचने का काम करती है। इंडिया में ये एज अ स्टार एक्सपोर्ट हाउस जो है वो रिकग्नाइज भी है, इसके लिए अपने प्रोडक्ट जो है उसको एक्सपोर्ट कर पाती है। काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है, जैसे कि फेरेरो है, मित्सुई, वॉल्टर राव, ऑलिव वेजिटेबल्स ऑयल, ये सब जो है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आपने पूछे, तो फाइनेंशियल्स फर्स्ट हाफ FY20 के मैं देख रहा था, तो आय और मुनाफे में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने मिला है। रेवेन्यूज 153% बढ़े हैं, 38 करोड़ से बढ़ के ये करीब 95 करोड़ पे आए हैं। हालांकि एबिटा 68% बढ़ा है, 14.5 करोड़ से बढ़ के 24.25 करोड़ पे आया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मार्जिन में उतना उछाल नहीं है, 38.6% से घट के 25.7% पे आए हैं, लेकिन रेवेन्यू ट्रैक्शन इस कंपनी का काफी बेहतर रहा है। मुनाफा भी देखिए, 9.25 करोड़ से बढ़ के अब करीब 15.5 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो आय और मुनाफे में फर्स्ट हाफ FY20 में एक सिग्निफिकेंट इस कंपनी में जम देखने मिला है। इस कंपनी का जो IPO 2018 में आया था, 4 अक्टूबर 2018 वो तारीख थी जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, 188 का इशू प्राइस था, और इस पूरे इशू से इस कंपनी ने करीब 64 करोड़ के आसपास जुटाए थे। अच्छा सब्सक्रिप्शन भी मिला था 1.1 टाइम्स का। फिलहाल ये स्टॉक 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई जो है 390 का है, लो 184 का है, यानी कि ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास ही जो ट्रेड कर रहा है, और BSE के SME प्लेटफॉर्म पे कंपनी जो है वो लिस्टेड है। तेजी आ चुकी है स्टॉक में, 380 नहीं अब ये 400 के लेवल्स, और जहां पे ट्रेड कर रहा है ये अब तक के हाईज हैं स्टॉक के, 52 हफ्तों के मैं देख रहा था, एग्जैक्टली 52 हफ्तों के हाईज पर इस समय खड़ा हुआ। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज का अविनाश गोराक्षकर साहब जुड़ते हुए। अविनाश जी, ये मनोरमा इंडस्ट्री स्टॉक में तो बड़ा तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, पसंद क्यों आ रही है? इनफैक्ट आशीष, पहली बात तो ये कंपनी एक वेल एस्टैब्लिश B2B प्लेयर है जो यू नो कन्फेक्शनरी और कॉस्मेटिक सेगमेंट में ऑपरेट करता है, और वर्चुअली एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर है, क्योंकि इनका जो नीश है वो बेसिकली उनके रॉ मटेरियल से है, रॉ मटेरियल का जो सोर्सिंग है वो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका 100% सोर्सिंग ये अपने लोकल एरिया यानी रायपुर से करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे वरुण ने अभी फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस कहा, ये नॉर्मली इनका एक लो की परफॉर्मेंस पीरियड होता है, जो असली दमदार परफॉर्मेंस आता है वो सेकंड हाफ में आता है, तो मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस और भी अच्छा आएगा, और इसका कारण ये है कि काफी हद तक एक्सपोर्ट सेकंड हाफ में होते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनके लिए जो दो बड़े ट्रिगर है वो बेसिकली उनकी एक्सपांशन है, जो अभी रायपुर में इन्होंने एक नई फैक्ट्री लगाई है जो काफी बड़ी कैपेसिटी है, और इनका जो कमिश्निंग डेट है वो आने वाले 2-3 महीने में होने की अपेक्षा है। ऑलरेडी काफी हद तक ये कमिश्निंग का जो काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, कंपनी ने कहा है अपने प्रेस रिलीज में कि बहुत ही जल्द ये यू नो चालू हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि तीसरे तिमाही में और चौथे तिमाही में इस एक्सपांशन का भी इफेक्ट कंपनी को मिलेगा। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने काफी अच्छे नए प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च करने की बात की है, इन्होंने शिया नट्स और शिया बटर्स नाम का एक नया प्रोडक्ट है जो ये अफ्रीका से यू नो इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, तो ये भी प्रोडक्ट सेकंड हाफ में आएगा, तो ये काफी हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट रहेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आशीष FY21 में बहुत बड़ी आएगी, ऑलरेडी FY20 में हमको लग रहा है कि जो मुनाफा इन्होंने पूरे साल के लिए कमाया है वो उन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट 6 मंथ में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेकंड हाफ में तो आपको और थोड़े तगड़े नंबर मिलेंगे, और FY21 में ये इस कंपनी को होपफुली प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी की जो रिकॉर्ड है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है, तो ये लेवल से भी मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। कंपनी करीबन यू नो अपने IPO प्राइस से काफी ऊपर है, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ और मार्जिन और जिस प्रकार का मोनोपोली इनका बिजनेस मॉडल है
इसके लिए मुझे लग रहा है कि ये लेवल से भी अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है, तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली मौका चूकना नहीं चाहिए और इसको अपने पोर्टफोलियो में तो इंक्लूड करना चाहिए। तो बेहतरीन कंपनी मौका ना चूके, इसे पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। और गजब का मूव है वैसे स्टॉक में, 400 के लेवल्स पे खड़ा, 52 हफ्तों के हाईज और साल के लोस थे 185 के, तो वहां से तो डबल हो चुका है ये स्टॉक, डबल से ज्यादा उछाल दिखा चुका है। और लंबे अरसे से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, मैं ऐसे ही देख रहा था, सितंबर था पिछले साल का वो समय जब से स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है, तो ये सारी तेजी सितंबर ऑनवर्ड स्टॉक में देखने को मिल रही है। 445 करोड़ का मार्केट कैप अब इस स्टॉक का, और प्रमोटर सराफ परिवार है, 61-62% के आसपास स्टेक वो लोग ओन करते हैं। चलिए अविनाश जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, मनोरमा इंडस्ट्रीज आप सब रडार पर रखिएगा। इस नोट पर आज के एसएमई कॉर्नर